जैसे हम किसी के सामने बैठे हैं
वो हमको देखे और हमारा ध्यान लग जाए, या हमारे सिर पर हाथ रखे और ध्यान लग जाए, तो आपका जीवन इतना पराधीन हो जाएगा कि आप बार बार यही चाहेंगे कि कोई दूसरा ही हमारा ध्यान लगा दे। स्वयं ध्यान लगाने की शक्ति का जागरण आपके चित्त में नहीं होगा, तो इसमें भी पराधीनता नहीं चाहिए। और जो लोग पराधीन हो जाते हैं, और जैसे मेस्मराइज होने का अभ्यास जिनको हो जाता है या हिप्नोटाइज होने का अभ्यास हो जाता है, उनकी आध्यात्मिक जगत में कोई उन्नति नहीं होती। ये तो स्वयं अपनी ही शक्ति को अपने ही संकल्प से जागृत करने का मार्ग है। मैंने एक बार स्वामी योगानंद जी से कहा, ये तो नहीं होता है, बोले क्लैबियम मास्मगम अपा अर्जुन नपुंसक मत कर, क्लैबियम मास्मगम अपा। तो ध्यान की कुछ थोड़ी सी बात आपको सुनाता हूँ। एक तो जब ध्यान करने बैठे तो प्रयत्न शैथिल्य होना आवश्यक है। प्रयत्न शैथिल्य किसको कहते हैं? अब हमको कोई काम नहीं करना है। यदि आपके मन में पहले से ये संकल्प है कि 10 बजे हमको कचहरी में पहुंचना है, तो वो संकल्प भीतर रहेगा और ध्यान लगाने का संकल्प बाहर रह जाएगा, और आपका शरीर स्थिर नहीं होगा, मन स्थिर नहीं होगा। भले आप नींद को ही ध्यान मान लें या तात्कालिक शांति को ही ध्यान मान लें, वो दूसरी बात है। बल्कि ध्यान करते समय पहले भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, हम सब कुछ छोड़ के अब आपके चरणों को पकड़ रहे हैं, हम सब कुछ छोड़कर अपनी आत्मा में स्थित हो रहे हैं, और अब हम सृष्टि में कभी ना आवे तो ये आपकी बड़ी कृपा होगी, आप अपने चरणों से अलग मत करना, अब हम प्रत्येक चैतन्य से पृथक कभी उठाई नहीं। ऐसा संकल्प करके आप बैठिए ध्यान में, भले उठना पड़े, पर उठना पड़े हम उठना चाहते नहीं, तब देखो ध्यान का मजा आता है। तो इसमें देखो वैराग्य की पूर्णता है। अब हमको दुनिया में आने की जरूरत नहीं है, हमें अपने इष्ट देव में ही बैठना है, और फिर अभ्यास करो। और बिना वैराग्य के अभ्यास करोगे तो सात्विक सुख की प्राप्ति तो अभ्यास से होती है। जैसे विद्या पढ़नी पड़ती है और अविद्या स्वयं रहती है, तो आप जानते हैं मूर्खता रहती है और ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। जो चाहे सो मुंह में डाल ले, ये बच्चे का काम होता है, पर रसोई पकाना सीखना पड़ता है। तो ये जो लोग बच्चों को कहते हैं कि सहज भाव से रहो, जो मन में आवे सो कर लो, ऐसा बोलते हैं। लड़की को कह दिया कि तेरे मन में जो आवे सो कर, बच्चे को कह दिया तेरे मन में जो आवे सो कर, ऐसे ही बच्चे साधकों को, जो साधक अभी बच्चे हैं, इतना शुरू शुरू में आए हैं, उनको कोई आसन नहीं बताना, मंत्र नहीं बताना, उनको ध्यान नहीं बताना, उनसे कह देना कि जो मन में आवे सो कर, ये उनके उत्थान का मार्ग नहीं है। सात्विक सुख की प्राप्ति अभ्यास से होती है। अभ्यासाद रमते जत्र दुखांतं च निगच्छति तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम।
भगवती गीता कहती हैं कि एक तो मन स्वाभाविक कहीं रम जाता है और एक अभ्यास करके रमाना पड़ता है। तो राम में, कृष्ण में, नारायण में, समाधि में मन को अभ्यास करके रमाना पड़ता है और संसार के विषयों में मन अपने आप रम जाता है। तो तमोगुणी और रजोगुणी सुख में मन अपने आप रम जाता है और सत्वगुणी सुख में रमने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यासाद रमते जत्र दुखांतं च निगच्छति। अभ्यास माने दोहराना, बोला अपने हिंदी भाषा में साधारण रूप से बोले तो अभ्यास माने दोहराना। व्याकरण में भी अभ्यास माने दोहराना ही होता है। भू भू वू व, इसको अभ्यास बोलते हैं, व्याकरण में अभ्यास बोलते हैं। तो यदि आप स्वयं प्रयत्न पूर्वक अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको नींद, प्रमाद, आलस्य अच्छा लगेगा। और यदि स्वयं अभ्यास करके अपने मन को सत्वगुणी नहीं बनाएंगे तो लोभ, प्रवृत्ति, कर्मारंभ, अशांति, स्पृहा ये अच्छे लगेंगे। और यदि आप प्रयास करके, अभ्यास करके अपने मन को सत्वगुणी बनाओगे तो अभ्यास का तो अर्थ ही है कि जैसी आदत स्वाभाविक जड़ता में से निकली है उसको बदल कर चेतनता में ले जाना। तो जड़ता की ओर से राग द्वेष दोनों छोड़ना पड़ेगा। वैराग्य माने त्याग नहीं हो, वैराग्य माने द्वेष नहीं, वैराग्य माने घृणा नहीं। घृणा करोगे तब तो वो चीज तुम्हारे मन में बैठ जाएगी और द्वेष करोगे तो वो चीज और मन में प्रवेश करेगी। त्याग करोगे तो उसका अभाव खटकने लगेगा। वैराग्य माने राग और राग का साथी द्वेष। एक शब्द का दो अर्थ होता है क्योंकि जब दोनों, जब राम लक्ष्मण एक साथ रहते हैं तो एक का नाम लेने से दोनों का बोध हो जाता है। तो राग, वैराग्य में जो राग है उसका अर्थ द्वेष। संसार में कहीं राग द्वेष न हो और अपने स्वरूप में, अपने इष्ट देव में बैठने का अभ्यास करें, बारंबार दोहरावें। ऐसे ना आवे, ऐसे तो अभ्यास के लिए आलंबन भी होता है, सहारा भी होता है, उसमें हसिया थोड़ा आलंबन नहीं होता है। उसमें भगवान का नाम आलंबन होता है। जैसे आप देखो आपका मन न लगता हो भगवान में तो एक तुलसी का पत्ता लीजिए और भगवान शालग्राम पर चढ़ाइए और बोलिए नारायण। तो 108 पत्ता चढ़ाइए और 108 बार नारायण बोलिए। तो तुलसी वस्तु है, चढ़ाना क्रिया है, उसके साथ शब्द नारायण है और स्मरण होगा नारायण का तो अंतःकरण नारायणाकार हो जाएगा। तो वस्तु है तुलसी, क्रिया है चढ़ाना और सामने शालग्राम में नारायण का भाव है और नाम का उच्चारण है जिह्वा से। अब देखो ये आलंबन है, सालंब जो गए ये आलंबन लेके अपने मन को नारायणाकार करना, बारंबार नारायण 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 108 बार हो गया। ऐसे सीताराम सीताराम राधेश्याम राधेश्याम। हम आपके इष्ट मंत्र का उच्चारण नहीं करते हैं, आपका जो मंत्र है इष्ट देव का जो मंत्र है उसी मंत्र से आपने वस्तु, क्रिया, शब्द और भाव चारों को एक में जोड़ दिया और आपका अभ्यास चालू हो गया। अभ्यास चालू हो गया भगवान के स्मरण का।
स्मरण होगा भगवान का चीजें है बाहरी, तो ध्यान लगाने के लिए कल तो देश काल वस्तु की चर्चा कर रहा था ना, आज ये देखो उसकी अपेक्षा अंतरंग है, किसी का नाम क्रिया योग हो जाएगा। असल में मनुष्य भगवान को या परमेश्वर को या सत्य को या सच्ची शांति को जानता नहीं, हमारे एक सेठ जी थे उनका होता था सत्संग, तो कोई नए नए लोग आते थे तो बिल्कुल आगे बैठ जाते थे और कागज कलम लेके लिखना शुरू करते, लिख के फिर सेठ जी के पास का एकांक करना है जाते और आपका व्याख्यान मैंने ये लिखा है, ठीक लिखा है कि नहीं, बस इतना ही पूछने के लिए आपके पास आए। सेठ जी सुनते कहते भाई तुमने तो बहुत बढ़िया लिखा है, लिखना तो तुमको बहुत अच्छा आता है। तो फिर दो दिन चार दिन के बाद फिर मिलते, कहते सेठ जी अब ये चाहता हूँ कि जीवन भर आपकी ही सेवा में रहे। तो फिर सेठ जी आजीवन सेवा में कैसे रहे, बोले कि हम अपने कारखाने में काम दे दें आजीवन सेवा। तो असल में उनकी रुचि सत्संग की नहीं होती है, उनकी रुचि तो कारखाने में काम मिल जाए ये होती, बहुतों की कुछ की ऐसी नहीं भी होती ऐसा नहीं। तो लक्ष्य तो है कारखाने में काम प्राप्त करना। अब तुम सालग्राम को तुलसी चढ़ाते हो, नारायण का नाम लेते हो और मन तो ये है कि हमारे घर में खूब पैसा आ जाए, मुकदमे में जीत हो जाए, हैं? हमारा रोग मिट जाए, साधन बनाते हो भगवान को और उनसे सिद्ध करना चाहते हो संसार का सुख, लक्ष्य है संसार और उसकी प्राप्ति का साधन है भगवान। तो इस कारण से ध्यान परमेश्वर में न लग करके, सत्य में न लग करके ध्यान तो संसार में ही लगता है। अब आप तो दो क्रिया सुनाता हूं, जब आप ध्यान करने के लिए पवित्र भाव से कैसे भी आप पवित्र अपने को कर लो, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था संकटो विवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाज्याभ्यंतर स्तुति सबाज्याभ्यंतर स्तुति ही बाहर भीतर शुद्ध हो गए कैसे, भगवान का नाम लेकर यस्मरेत पुंडरीकाक्षम भगवान का नाम लिया बाहर भीतर स्तुति, तरह से ही शुद्धो हम करके शुद्धो हम से मिलना हो। जब अदालत में जाते हैं, बड़े सेठ के पास जाते हैं, मिनिस्टर के पास जाते हैं तो वो साथ जरा स्वच्छ पहन के जाते हैं, भगवान के पास जाना हो तो गंदगी से नहीं निर्मलता की पोशाक धारण करके जाना चाहिए और वो निर्मलता आप भगवान का स्मरण करके कर लीजिए, सीधी सादी बात है। अब एक दूसरी बात देखो, आपका शरीर मान लो स्थिर ना होता, क्योंकि आदत ऐसी पड़ जाती है। हमारे एक महात्मा थे वो झूमते थे, वो भजन करते थे और झूमते थे, तो हमारे गांव में जो बैल झूमता है ना उसको अच्छा झूमते माने खड़ा है और दाहिने बाएं ऐसे हिल रहा है या आगे पीछे हो रहा है तो झूमने वाले बैल को अच्छा नहीं माना जाता, उसको अपशगुन मानते हैं, निकाल देते हैं घर से। जब मन बिल्कुल शांत हो जाए और लक्ष्य में एकतान हो जाए, जैसे आप एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, एक शीशी से दूसरे शीशी में जब तेल डालते हैं तो शीशी हिलने न पावे नहीं तो इधर उधर गिर जाएगा, वैसे जब आप अपने मन की वृत्ति धारा को भगवान में डालना चाहते हैं तो उस समय न भगवान हिलने चाहिए और न तो आपका मन हिलना चाहिए। ये वृत्ति की धारा को बिल्कुल स्थिर करके तब परमात्मा में डालना चाहिए।
तो इसके लिए शरीर का स्थिर होना भी आवश्यक है। हम किसी साधन को काटते नहीं हैं, आपका अंतरंग से अंतरंग साधन हो उसका भी हम समर्थन करते हैं, परंतु बहिरंग साधन को काट देना तो ऐसा है कि जैसे कोई सीढ़ी को तोड़ दे और कहे कि छत पर जाके बैठो, तो जो लोग सीढ़ी तोड़वा देते हैं और छत पर बैठाने की कोशिश करते हैं वे लोग असल में नीचे ही रहने देते हैं, ऊपर उठाने का मार्ग ही बंद कर देते हैं। आपका शरीर यदि स्थिर न होता हो तो एक तंत्र मैं बताता हूँ, तंत्र माने आजकल तंत्र को टेक्निक बोलते हैं, यंत्र मंत्र तंत्र, तो यंत्र हो पर तंत्र ना आता हो तो माने मशीन तो आपके पास हो लेकिन उसको चलाने की टेक्निक ना मालूम हो तो क्या करेगा यंत्र है? और मंत्र ना मालूम हो तो आप पहले ही दिन सिर में ध्यान करने के लिए बैठ जाए, ऐसा नहीं होगा, मनोवृत्ति की धारा नीचे को जाती है। मूल श्रृंगाटार शिर सुषुम्ना पथे न जीव शिव परम शिव पदे योजयामि स्वाहा, चार हैं हमारी पीठ की रीढ़ में एक छिद्र है, उसको बोलते हैं सुषुम्ना, सुषिर जैसे बांसुरी में छेद होता है ना, ऐसे बांसुरी में सहनाई में जैसे छिद्र होता है ऐसे उस पीठ की रीढ़ में एक छेद है, उसकी जड़ में से हम शक्ति को जागृत करके धीरे 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 ऊपर ले जा रहे हैं, ऐसा चिंतन कीजिए आप। अच्छा बहुत सीधी बात बताता हूँ, हम जानते हैं कि आप लोग बहुत पुराने सत्संगी हैं, 15-20 बरस से तो प्रेम कुटीर में ही सत्संग करते हैं और आप लोगों को सब मालूम है, लेकिन कोई कोई नए आ जाते हैं तो उनके काम की बात सुनाता हूँ, आप पुराने लोग तो पक्के हैं आप अपनी जगह से हटिए मत, अपनी जगह पर रहिए। ये बात योग दर्शन के पातंजल योग दर्शन के व्यास भाष्य में ये बात आई है, ये प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्ति विराम इस सूत्र की व्याख्या है। वो कहते हैं कि यदि आपका शरीर स्थिर न रहता हो तो आप ऐसा ध्यान कीजिए कि शेष भगवान बैठे हुए, आनंद समापत्ति का नाम है, हमारे शरीर के भीतर शेष भगवान बैठे हैं और उनके सिर पर पृथ्वी है और गोद में भगवान है और भगवान भी योग निद्रा में रहते हैं, शेष सज्जा पर सहन करते हैं, तो यदि शेष जरा भी हिल जाए तो भगवान की तो नींद में खलल पड़े और धरती हिल जाए, इसलिए बिल्कुल स्थिर शेष भगवान बैठे रहते हैं, अचल हिलते नहीं है। तो व्यास जी महाराज का कहना है कि ये अनंत समापत्ति करने से आपका शरीर स्थिर हो जाएगा। अब कहो तो हम 2 मिनट के लिए चुप हो जाएं और आप जरा ध्यान करके देखो, आपका शरीर बिल्कुल नहीं हिलेगा, शेष भगवान आपके शरीर में जैसे सांप अपना फन उठा के बैठा होता है नीचे कुंडली और गोद में नारायण और सिर पर पृथ्वी और बिल्कुल अचल शेष भगवान बैठे हुए हैं। आप ये तंत्र देखो, इसका नाम तंत्र है, ये शरीर को स्थिर करने का, शरीर को स्थिर करने की शैली है। तो आपका शरीर हिलेगा नहीं,
तो आसन के लिए प्रयत्न शैथिल्य की भी जरूरत है, वो तो मंत्र ही है इसका, और शेष का ध्यान इसका तंत्र है। और मंत्र तो वो है जिसके मनन से आपका त्राण होता है। मंत्र शब्द का अर्थ है मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसके मनन से हमारी रक्षा हो जाए। मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसके मनन से हमारा त्राण हो। मनन होता है तीन प्रकार से, संसार का नहीं, हम परमेश्वर की बात करें। एक तो इस मन को देख कौन रहा है, प्रकाश कौन कर रहा है, ये प्रत्यक्ष दृष्टि होती है। हजार घड़े सूर्य को प्रकाशित नहीं करते, एक सूर्य हजार घड़ों को प्रकाशित करता है। तो ये जो आपका घट है, शरीर को घट ही बोलते हैं, घट माने जो गढ़ा गया हो, जो घटित हो, घट जो चेष्टा करके बनाया गया हो उसको घट बोलते हैं। ये शरीर आपका घट है और प्रत्यक्ष चैतन्य आत्मा से प्रकाशित हो रहा है। आप देखो संपूर्ण विश्व, ये दूसरा हुआ, परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। और तीसरा, प्रकाश ही प्रकाश है, घट नहीं है, माने विश्व प्रपंच नहीं है, केवल प्रकाशात्मा परमेश्वर है। और वो प्रकाशित हो रहा है, ये प्रकाशित हो रहा है, वो प्रकाशित कर रहा है, ये प्रकाशित हो रहा है, और मैं प्रकाशित कर रहा हूँ और ये प्रकाशित हो रहा है। ध्यान के लिए भगवान संपूर्ण विश्व को अपनी रश्मियों से भर रहे हैं, मैं अपने ज्ञान किरणों से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर रहा हूँ, और केवल प्रकाश ही प्रकाश है, प्रपंच नहीं है। ये तीन पद्धति हुई हो, आत्म प्रधान, ईश्वर प्रधान और ऐक्य प्रधान, ये तीन पद्धति हुई। अब यदि आप अपनी जान को, हमारे नानी जब कहानी सुनाती थी तो वो कहती थी कि उसकी जान तोते में रखी हुई थी, इसलिए उसको कोई कितना भी मारे तो मरता नहीं था, ऐसी नानी की कहानी मैंने सुनी थी। और उसकी जान उठा के तोते में रख दी गई थी, तो उसके शरीर को कोई कितना भी मारे तो मरता ही नहीं था। तो जब इसका पता लगा कि इसकी जान तो पोपट में रखी हुई है, तो उसने उस आदमी को नहीं मारा, जाके पोपट का ही गला ऐंठ दिया और वो मर गया। मरा पोपट और मर गया वो राक्षस, ऐसी हमारी नानी कहानी सुनाया करते। तो ये संसारी लोग भी अपनी जान रखते हैं दूसरी जगह। इनका जो अहंकार ममकार है, अहंकार किस चीज का है, कुर्सी का है। तो जब कुर्सी मरेगी तब तुम्हारा अहंकार मरेगा। और ममता काहे की है, ममता है नोटों के बंडल की, जब तक वो नहीं मरेगा तब तक ममता है। कि मैं नाम ही ले रहा हूँ कुर्सी और नोटों के बंडल का, आपका बना रहे, भगवान करे आपकी कुर्सी बनी रहे, आपका नोटों का बंडल बना रहे। मैं तो बात को समझाने के लिए ये उदाहरण के रूप में ये बात कहता हूँ कि आपकी ममता दूसरे में लगी हुई है और आपका अहंकार दूसरी चीजों के आधार पर बना है। इसलिए जब आप अहंकार और ममकार को तोड़ने के लिए बैठते हैं, अहंता और ममता को तोड़ने के लिए बैठते हैं, तो वो तो आपके शरीर में है ही नहीं, वो तो दूसरे के पास, वो तो पोपट से रखा हुआ है। हमारे जैसा पोपट तो दुनिया में और किसी के पास है ही नहीं है। हमारे जैसा मकान और हमारे जैसा वस्त्र, आभूषण, धन, दौलत, तो
आपका जो अहंकार और ममकार है वो दूसरे वस्तुओं के निमित्त से बढ़ा हुआ है, तो इसलिए आप अपने गर्दन को चाहे जितना भी ऐंठे हैं, शरीर के भीतर अहंता और ममता को मारने की जितनी भी कोशिश करें, माफ करना अगर किसी के साधन वादन के खिलाफ जाता हो, बच्चू भाई सामने बैठे हैं और इन्हीं से मैंने माफ करना बोलना सीखा है, उससे पहले कभी कभी बोलता नहीं। वैसे हम लोग माफ करना बोलने वाले नहीं है, क्योंकि अपराध को अपराध ही नहीं समझते। तो अगर किसी के सिद्धांत के या साधना के खिलाफ पड़ता हो तो माफ करना। आपका अहंकार जो बढ़ गया है, चढ़ गया है, वो दूसरी वस्तुओं के संयोग से, और आपकी जो ममता है वो दूसरे में जाके बैठ गई है, और आप कभी कभी शरीर को सीधा करते हैं और कभी नाक के दोनों पर्दों को देखकर त्राटक करते हैं, कभी आंख की पुतली सीधा करते हैं, कभी गर्दन सीधा करते हैं, कभी सिर सीधा करते हैं। अब इससे अहंकार ममकार तो सीधा होने वाला ही नहीं है, क्योंकि वो तो दूसरी जगह रखा हुआ है, दोष दूसरी जगह है और साधना दूसरी जगह हो रही है। तो साधना के लिए अभी तो आसन की बात आपसे कर रहा हूँ। आसन का अर्थ होता है बैठना। तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ये बैठना नहीं होता है। या तो आप अपने स्वरूप में बैठो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, या तो मालिक के घर में बैठो, माने लड़की या तो मायके में रहे या तो ससुराल में रहे, और या तो फिर ऐसे घोड़े पर चढ़ो, ऐसी मोटर लो जो बाबा यहाँ से वहाँ ठीक ठीक पहुँचा सके। तीन ही जगह बैठने की है, या तो साधन पर दृढ़ निष्ठा के साथ बैठो, या तो अपने स्वरूप में बैठो, या तो अपने इष्ट देव के साथ बैठो, और इसी को आसन बोलेंगे। बोला इसी को आसन बोलेंगे। आपका आसन कहाँ लगा है महाराज, कहाँ जम गया? तो अपने स्वरूप में जमने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है। अपना स्वरूप क्या है क्या नहीं है ये समझना पड़ता है। जो जो अपना स्वरूप नहीं है उससे उससे अलग होके अपने स्वरूप में बैठो, और बिना विवेक के अपने को अलग तो किया नहीं और बैठ गए। जब तिल और चावल एक में मिल जाते हैं तो उनसे कौन सी रसोई पकेगी? तिल को अलग किया, चावल को अलग किया, तब भात बढ़िया बनेगा, और तिल मिला रहे तो भात बढ़िया नहीं बनेगा। तो ये जो अपना आत्मा है, ये जब तक जड़ और अज्ञान और दुख रूप परिच्छिन्न शरीर के साथ एक होकर बैठा है, तब तक अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो सकता। इसके लिए अपने स्वरूप में बैठने के लिए विवेक करने की आवश्यकता होती है। संस्कृत भाषा में विवेक माने होता है अलग करना, दो चीज एक में मिल गई हो। आजकल तो शब्दों का अर्थ नहीं समझते हैं, उनका प्रयोग इतना रूढ़ हो गया है। विचिर पृथक भावे धातु है, विवेचनम विवेका, दो चीज एक में मिल गई हो तो उनको अलग अलग करने का नाम विवेक है। विवेक तो ये अपना जो मैं है, ज्ञान स्वरूप, ये जड़ शरीर के साथ मिल गया है, और जिसमें शांति ही शांति है, सुख ही सुख है, परमानंद स्वरूप ही है, वो दुख के साथ मिल गया है, और जिसमें जन्म और मरण नहीं है वो जन्म मरण वाले के साथ मिल गया है, और जिसमें किसी प्रकार का कटना पिटना टूटना छेदन भेदन नहीं है
वो छेद से भेद के साथ मिल गया है। तो विवेक का अर्थ ये होता है कि ये जो इतनी महान आत्मवस्तु जिसके बिना कुछ मालूम ही नहीं पड़ सकता हो, आश्चर्य है। यदि राम भी आपके सामने आके खड़े हों, कृष्ण भी आपके सामने खड़े हों, अंतर्यामी परमेश्वर भी आके आपके सामने खड़े हो जाएं और आप न हो तो वो किसको मालूम पड़ेंगे, उनको जानेगा कौन? और जब जाने ही नहीं जाएंगे तो उनके आने का मजा कहाँ से आवेगा? इतना आश्चर्यमय आपका स्वरूप, परंतु आप हड्डी मांस जाम की एक पुड़िया के साथ मिल गए, जिसके भीतर चर्बी है, मांस है, विष्ठा है, मूत्र है, हड्डी है, आपका ये प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप मैं इसके साथ मिला बैठा है। तो इससे उठाने के लिए आपका आसन, शंकराचार्य भगवान ने आसनकार ये किया है। वो तो योग दर्शन के आसनकार में पहले सुना रहा था, ये वेदांत दर्शन के आसनकार में है। चाहे स्वम पदार्थ में बैठ जाओ, चाहे तत् पदार्थ में बैठ जाओ, चाहे दोनों की एकता में बैठ जाओ, इसका नाम आसन, उपासन, उपवेशन। ये अपरोक्षानुभूति में आसन शब्द का ही अर्थ किया है। तो आपका आसन कहाँ लगा है ये देखिए, वैसे में लगा है कि कुर्सी पर लगा है। हम आपके बड़प्पन को समझते हैं, मंगनी का बढ़िया कपड़ा पहन के लाए, लेकिन नीचे गंजी तो फटी हुई है, कुर्सी है। बींग हांकते हैं बहुत बड़ी, लेकिन भीतर कितने खोखले हैं ये बात मालूम पड़ती है। हम पहले स्टेशनों पर देखा करते थे, ये बड़े बड़े सेठ लोग कुली को एक आना दे कि दो आना दे, तब इतना ही दिया जाता हो, मतलब एक रुपया दो रुपया सब नहीं दिया जाता, एक आना कि दो आना। तो पहले तो कड़े पड़ जाते थे कुली के साथ कि नहीं हम एक ही आना देंगे, दो आना नहीं देंगे। तो कुली अगर नरम पड़ गया तब तो एक आने में छूट गए, अगर वो कड़ा पड़ जाता था तो दो आना दे के पिंड छुड़ा लेते। तांगे वाले से लखपति आदमी तांगे वाले से दो दो आने के लिए उलझ पड़ते थे, लेकिन अगर वो कड़ा पड़ जाए और कुछ अंत संत बोलने लग जाए तो झट दो आना दे देते थे। तो आप इतने बड़े होकर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप होकर, ये वेदांत की बात नहीं है, ये भक्ति की बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना, ये भक्ति की बात है। आप परमेश्वर के अंश हो करके, आप राजकुमार होके, और फंसे कहाँ हैं? एक दिन पंडित का नाम लेते कहो तो बड़ा पंडित था, आप लोगों को बड़ा सेठ अगर पसंद ना आता हो तो बड़ा पंडित कह दें, उसमें कोई अरे एक एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, बड़ा भारी विश्वास। ये सच्ची घटना है। रात के समय पुलिस ने गश्त करते समय एक नाले में, पनाला बसा है ना ये शहरों में, जहाँ नीचे नहीं है ऊपर ही है, वैसे शहर में उनको एक बड़ी नाली में गिरे हुए देखा। पुलिस ने उनको उठाया, उठा कर थाने में ले गई। महाराज उनको फिर जब होश हवास में आए तो उनके पास जो झोला था उसमें थी शराब की बोतल, और बड़े भारी विद्वान। पुलिस वालों ने उनके घर वालों को फोन किया, उनके संबंधियों को किया, भाई ऐसी बात है, अब तो ये शराब के नशे में पकड़े गए हैं, शराब भी पकड़ी गई है, तो इनका चालान होगा। तो घर वालों ने बाबू संपूर्णानंद, उन दिनों मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उनको फोन किया कि हमारे विद्वान की तो ये दशा है, नाम उनका जानबूझ के मैं नहीं दे रहा हूँ, हमारी जानकारी में उनका नाम है। तो बाबू संपूर्णानंद ने कहा सारे विश्वविद्यालय की बेइज्जती होगी,
बड़े बड़े विद्वानों की बेइज्जती होगी, लोग कहेंगे ये ऐसे होते हैं, वो उनके स्वरूप के अनुरूप नहीं था ना। इतने बड़े विद्वान हो करके हम यहाँ भी जानते हैं, बड़े बड़े सेठ जब 4 बजे 5 बजे जब लौटते हैं और तो लौट के कभी कभी तो गुंडे लोग लूट लेते हैं उनको, कभी नाली में से उनको उठाना पड़ता है, कभी कह करते हुए उठते हैं, कह करते हुए उठते हैं, ये बड़प्पन है। तो ये जो आत्मदेव हैं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा के अंश राजकुमार, राजकुमार ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, ये कहाँ गिरे? ये गिरे चाम हड्डी मांस चर्बी के पुतले में। तो जब तक विवेक नहीं करोगे, अपने को देह से ऊपर नहीं उठाओगे, तब तक तुम्हारा सारा अभ्यास भी शरीर में सीमित हो जाएगा। अभ्यास करो लेकिन वो शरीर के बड़प्पन के लिए हो जाएगा, विवेक के बिना अभ्यास शरीर के बड़प्पन का हेतु बन जाता है। इसलिए अपने को शरीर में से बाहर निकालना पड़ता है। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने 7 साधन माने हैं, विवेक, विमोक, कल्याण, क्रिया, अभ्यास, अनवसाद और अनुत्थर्ष। ये 7 उनके शब्द हैं। ये 7 साधन जब मनुष्य के जीवन में आता है तब उसकी पोशाक ऐसी हो जाती है कि परमात्मा उसको झट गले से लगा लें, परमेश्वर गले से उसको लगा लें। विवेक, विमोक, अभ्यास, कल्याण, क्रिया, अनवसाद और अनुत्थर्ष 7 साधन है। यदि ये जीव के अंदर आ जाए क्रिया योग के द्वारा तो परमेश्वर उसको अपने गले से लगा लेता है। तो आप इतनी गंदी पोशाक पहन के, इतने बड़े हैं और इतनी गंदी पोशाक पहन के बैठे हैं, तो बाबा 5 मिनट जरा शीशे के सामने इसको हटा के धो पोंछ के अपने आप को देखो, तो विवेक के आईने में देखो कि आपका स्वरूप क्या है, तब उसके बाद ये शरीर कैसे बैठा है। अपने आप जब आपका संकल्प, आपका मन, स्वयं आप इस शरीर की सीमा से पृथक हो जाएंगे तो ये शरीर अपने आप स्थिर हो जाएगा। फिर आसन स्थिर करने के लिए अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आप कल